हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आईज़ की शेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक शेडिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिक शेडिंग क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रेशर रखना है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रशट्रो का जो ग्रेफाइट पेंसिल का सेट आता है वो। एंड अब मैं उस बेसिक शेडिंग जो मैंने की थी उसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ईयरबड, या ब्लेंडिंग स्टम्प से भी आप कर सकते हो। वैसे तो आई डू प्रेफर ईयरबड, क्योंकि वो ज़्यादा स्मूथली एंड बिना पैचीनेस के इजीली ब्लेंड कर देता है एंड इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। वैसे तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीप मिल जाते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ जो भी फाइनर डिटेल्स थी मैं वो बना रही हूँ। और जहाँ पे डिटेल्स आपको लगता है ना कि रेफरेंस में थोड़ी डार्क है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर दे के आप पेंसिल को चला सकते हैं। पर ऐसा नहीं करना है कि सीधा ही डार्क एकदम शेड लगा दिया है। जैसे लाइनर है तो आपको पता है कि भाई डार्कर टोन ही आएगा, तो आप वहाँ पे एकदम से स्टार्टिंग से ही प्रेशर लगा के वर्क कर सकते हो। बट व्हेन यू नो कि भाई इस जगह पे हो सकता है वही टोन ना आए हमसे, तो आप लेयर्स में वर्क किया कीजिए। जैसे मैं हूँ तो मैं सीधा कर लेती हूँ और मैं संभाल लेती हूँ। बट अगर आप बिगनर हैं तो लेयर्स में वर्क करना स्टार्ट कीजिए, लाइटर शेड से स्टार्ट कीजिए। एंड फिर लेयरिंग करते करते जब तक आप उस शेड से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक आप उसमें लेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो शेड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड अब हम लोग जितने भी शेडोज हैं उन पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान मेनली यही रखना है ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर कि आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्रेशर लगा के पेंसिल से वर्क करना है, ताकि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग आप उसे इरेज कर सकते हो अच्छे से। एंड जैसे मैंने किया, देखो अभी मुझे लगा ना कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आई इरेज दैट पार्ट। तो इसी प्रेशर से वर्क करो कि जब गलत हो जाए तो आप उसे इरेज कर सको। वैसे तो इट्स अ बैड प्रैक्टिस कि आप इरेजर का यूज़ कर रहे हो, बट व्हेन यू आर अ बिगनर या फिर जल्दी वर्क करना है, जैसे मैंने ये वाला वर्क है बहुत ही ज़्यादा जल्दी किया था, लाइक इन 15 मिनट्स मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो जब भी आपको ऐसा रहता है ना जल्दी से वर्क करना है, तब आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो। जैसे लाइक जल्दी जल्दी करते हैं तो यू नो कि हो जाती है गलतियाँ काफ़ी, तब आप इरेजर का यूज़ करो। वरना ध्यान यही रखो कि इतना फोकस से आपको वर्क करना है, इतना कम प्रेशर लगा के पेंसिल से आपको वर्क करना है कि आपको इरेजर की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड आप लोग देख सकते हो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शेडिंग की, पर फिर भी कुछ टोन है वहाँ पे। तो आप देखना कि बाद में मैं वहाँ पे क्या करने वाली हूँ, पहले ये जो डार्कर एरियाज हैं उन पे शेडिंग कम्प्लीट कर लेती हूँ। एंड शेडिंग करते वक्त अगर आपको टोन समझ नहीं आ रहा है कि आपका टोन परफेक्ट आया है या नहीं आया है, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो आपका रेफरेंस है उसको, जिस पार्ट पे आप वर्क कर रहे हो उसको एकदम जूम इन कर लो। एंड यू कैन देन कंपेयर टू द ड्राइंग कि एकदम परफेक्ट टोन आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड जब तक आपको टोन मैच नहीं लगता है तब तक आप उस पर वर्क कर सकते हो, लाइक उसे लेयरिंग कर सकते हो अगर डार्क चाहिए। अगर थोड़ा सा लाइट करना है तो यू कैन यूज़ यू नो नीडेबल इरेजर आता है, उसको ज़रा सा टच करके यू कैन जस्ट लाइट इट अप। तो इस तरह से कर सकते हो। और देखो देखो जैसे मैंने फॉरहेड पे किया, जब मुझे लगा ना कि ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ तो टोन है वहाँ पे, तो मैंने बस सिंपली जो ईयरबड थी जिसे मैंने पहले दूसरी जगह पे ब्लेंड किया था उसको ही सिंपली मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रब कर दिया है। एंड यू कैन सी द इफेक्ट। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन आई लैशेज। एंड आई लैशेज आप देख सकते हो, कभी भी जब भी आप आई लैशेज पे वर्क करो स्ट्रेट आई लैशेज बिल्कुल मत बनाओ, दे आर कर्वी। ठीक है, बहुत कम लोगों के होता है, लाइक अगर रेफरेंस में स्ट्रेट है तो यू कैन गो विद डैट, बट आई प्रिफर कर्ली लैशेज जो ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड आपको ये ध्यान रखना है वो आईलिड से टच होके निकलनी चाहिए, ताकि लगे कि वो आईलिड से निकल रही है। एंड आप लोग रेफरेंस को काफ़ी ज़्यादा फोकस करके जिस तरह से रेफरेंस के अंदर है सेम वैसा ही बनाने की कोशिश किया कीजिए, तभी जो आर्टवर्क है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लुक का दिखता है। एंड आफ्टर वर्किंग ऑन ऑल द लैशेज, मैंने लोअर लैशेज भी जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। अब हम लोग आगे आईब्रोज की तरफ बढ़ेंगे। एंड आईब्रोज को भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके बनाना है, सीधा सिर्फ यू नो स्ट्रेट स्ट्रोक्स नहीं बनाने। आईब्रोज के अंदर भी कर्ली एंड कर्वी स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो फ्रंट के जो होते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं, बाकी के जो हैं वो थोड़े से टिल्टेड स्ट्रोक्स आपको देने हैं। तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पे कैसे स्ट्रोक्स जा रहे हैं इनका भी, अगर आप चाहते हो ना कि रियलिस्टिक लुक लगे आपके ड्राइंग का,
तो आपको इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जो स्केच है उसको रियलिस्टिक लुक देती है। जैसे आप देख सकते हो मैं अभी ये आईब्रो है उसको कैसे बनाती हूँ, एक एक जो स्ट्रोक है वो मैं देख के बना रही हूँ कि किस डायरेक्शन में वो स्ट्रोक आया है और किस तरह से है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना है एंड उसके बाद यू नो बस कलर कर देना है। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन अदर डिटेल्स, जैसे कि जो हेयर्स है उनके ऊपर वर्क कर रही हूँ। एंड एक एक हेयर आपको ध्यान से देख के बनाना है, आपके रेफरेंस से अगर उसके अंदर है तो, एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। मेन यही रहता है, अगर आपको रियलिस्टिक लुक का ड्राइंग बनाना है तो सेम वैसा बनाने का ट्राई करो जैसा आपका रेफरेंस है। खुद से एक बार मत डालो कुछ भी कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दिया। हाँ ठीक है, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग एक्स्ट्रा डाल रहे हो दैट्स अ गुड थिंग, आप कर सकते हो। जैसे मैं कई बार करती हूँ, जैसे मैं ये जो हाइलाइटिंग करती हूँ ये मैं खुद की तरफ से एक्स्ट्रा उसमें ऐड करती हूँ, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ब्लर नहीं है मैंने ब्लर कर दिया यहाँ से। पर मोस्टली अगर आपको रियलिस्टिक लुक देना है तो सेम वैसा ट्राई करो जैसा है। एंड बाद में अगर आप थोड़ा और टेक्सचर ऐड करना चाहते हो वो बाद की बात रहती है। एंड अब मैं थोड़ा सा कलर के अंदर घुस गई हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसा रहता है ना कि बिना कलर के कोई ड्राइंग कंप्लीट ही नहीं होती, हर चीज़ में कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे शेरिंगन जो आई है वो बनाई है, इसके अंदर यूज़ किया है मैंने डार्क मैरून शेड एंड रेड शेड, एंड उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए जो है एकदम लाइटर रेड जो होता है ना ब्राइटेस्ट रेड वो यूज़ किया है। एंड हेयर आई एम डन विथ द आईबॉल्स, एंड कुछ जो डिटेल्स है वो थोड़ी सी ऐड करनी बाकी है, वो आप देख सकते हो इसमें। सो गाइज दिस वॉज अ वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के बारे में तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइज़।